नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सिंगर फरमानी नाज ने एक वीडियो जारी किया है। फरमानी ने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने पर सफाई दी है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को महज अफवाह बताया है। विवाद पर फेसबुक पर यह वीडियो जारी किया है और बताया गया कि फेक अकाउंट बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फरमानी नाज ने यह बात कही है और कहा कि सब करते हैं प्यार, लेकिन कोई धमकी नहीं मिली है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि फरमानी नाज को धमकियां दी जा रही हैं। बहरहाल अपनी सफाई दी है फरमानी नाज ने और कहा है कि फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं मेरे नाम पर और हिंदू धर्म अपनाने की बात महज अफवाह है। दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और मैं एक बात कहने आई हूँ आप सभी से कि मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी बना के ट्विटर पे उसमें लिखा है कि मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ और मेरे पूर्व जन्म हिंदू धर्म की पूजा करते थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिए और उनसे कहिए, उनसे सवाल कीजिए कि किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए। और बहुत लोग हैं जो मेरी फेक आईडी बना बना के ऐसे इस तरह के गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेरी खुद की जो ट्विटर आईडी है वो है फरमाइना 786 और उस पर आप जाके देखना, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी उसको लेके। जो मैं जिस धर्म में हूँ मैं खुश हूँ, सभी अपने अपने धर्म में खुश हैं, तो किसी के बारे में भी इतनी बड़ी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दरअसल विवादों में क्यों रही हैं फरमानी नाज और आखिर क्या ऐसा हुआ कि विवाद जो है वो शुरू हो गया। हर हर शंभू भजन गाकर विवादों में आई हैं फरमानी नाज और अब ये विवाद देखिए, हिंदू धर्म का गाना गाने पर कट्टरपंथी नाराज हो गए हैं फरमानी नाज से और इसके बाद फतवा जारी कर दिया गया। मुस्लिम उलेमाओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है, फरमानी नाज के खिलाफ ये फतवा जारी किया गया। फरमानी नाज यूट्यूब सिंगर हैं और इससे पहले भी आपने देखा होगा हर हर शंभू से पहले भी कई गाने वायरल हुए हैं। इंडियन आइडल में हिस्सा ले चुकी हैं फरमानी और अपने वायरल गानों की वजह से उन्हें इंडियन आइडल में बुलाया गया। मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं फरमानी नाज और फरमानी नाज हमारे साथ खुद जुड़ी हुई है। फरमानी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। फरमानी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह वीडियो अपना डाला, अपलोड किया और उसके बाद आपने बताया कि दरअसल हिंदू धर्म में जाने की बातें, हिंदू धर्म को अपनाने की बातें महज अफवाह हैं, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है, आपको बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, कुछ लोग हैं ऐसे दुनिया में जो ये चाहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम हो या कुछ दंगा हो या लड़ाई हो तो कुछ तरीके की ऐसी बातें कह देते हैं। बाकी मैंने सबसे कहा है कि अफवाहों से दूर रहें और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हिंदू धर्म अपना रहे हैं या वो है। सभी अपने धर्म में खुश हैं और सभी धर्म अच्छे और हम सभी का सम्मान करते हैं। तो ये बहुत चल रहा है कि कुछ भी लिख देते हैं किसी के बारे में, तो ऐसे लोगों पे जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। फरमानी, क्या लगता है आपको कौन है ये लोग जो आपको बार बार टारगेट कर रहे हैं? कभी आपके नाम पर फतवा जारी कर दिया जाता है, कभी अफवाह बनाई जाती है कि आप हिंदू धर्म अपना रही हैं, तो क्या लगता है आपको कौन है ये लोग, कैसी मानसिकता है उनकी और क्यों आपसे और आपको बार बार टारगेट कर रहे हैं? जी, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या चाहते हैं, क्यों है ऐसा, क्यों करते हैं। तो बस यही चाहती हूँ कि ऐसा ना करे और ऐसी बिल्कुल भी बातें ना करे और ना तो किसी तरीके का कोई फतवा जारी था और ना ही कोई धमकी थी इस तरीके की भी अफवाह फैला दी कि फतवा जारी कर दिया और धमकी दे दी जान से मारने की। तो मैंने बहुत न्यूज़ पे बताया है ये भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी फतवा नहीं है। बाकी कुछ लोग हैं जो ऐसे गलत कमेंट्स कर दिए कि ऐसा है वैसा है, गाना गा दिया या वो, तो उसका मतलब ये नहीं गाना गा दिया कि मैं हिंदू बन गई या हिंदू धर्म अपना लिया। मैं तो एक कलाकार हूँ और सभी धर्म का मैं सम्मान करती हूँ, सभी के गीत गाती हूँ और खुद जो हमें सुनने वाले हैं वो भी सभी धर्म के लोग हैं, तो इस तरीके की बातें ना हो तो बहुत ही अच्छा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई फतवा जारी नहीं किया गया, ये बातें भी अफवाह है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फतवा जारी नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे फरमानी कि देखिए अब फतवा जारी नहीं किया गया, लेकिन क्या किसी तरह का विरोध आपका किया गया? क्योंकि आपने ये जो भजन गाया है
ये हर किसी की जुबान पर है, यहाँ तक कि लोग इस पर रील्स बना रहे हैं, इसे गा रहे हैं। और खासकर देखिए, सावन का महीना है, महादेव का महीना है, इसमें सबसे ज्यादा ये गाना प्रचलित हो रहा है, ये भजन प्रचलित हो रहा है। लेकिन ऐसे में बेशुमार प्यार के बजाय जब इस तरह की चीजें सामने आती है, तो एक सिंगर के तौर पर आपको कैसा लगता है? जी, जब सुनने में आता है तो बहुत ऐसा लगता है कि क्यों, पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं और कलाकार को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, किसी भी धर्म से जोड़ लेते हैं कि भाई ये मुस्लिम हो के हिंदू क्यों गा दिया या हिंदू हो के मुस्लिम क्यों गा दिया। तो कलाकार का तो कोई धर्म नहीं है, वो जो अपनी कलाकारी में हो तो वो सभी चीज गा सकता है। तो कुछ लोग थे ऐसे जो ऐसा बोल रहे थे, बाकी बहुत हैं हमारे भाई जो इतना मुझे सपोर्ट किया और मेरे बारे में आके बोले भी मीडिया के सामने, इतना सब कुछ किया। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे पक्ष में आके भी बात की। बाकी कुछ लोग हैं जो इस तरीके कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं सभी से कहती हूँ कि ऐसा ना बोलें बिल्कुल भी। अच्छा फरमानी, ये भी कहा, देखिए क्या इसका मतलब ये कहा जाए कि आपकी जो कला है उसे धर्म के नाम पर बांधने की कोशिश की जा रही है, और उसी के बाद, क्योंकि जिस तरह आपने ये भजन गाया उसके बाद ही ये चीजें शुरू हुई, या उससे पहले भी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, उससे पहले कुछ भी नहीं। मैंने बहुत अपने नाच भक्ति यूट्यूब चैनल पे कम से कम ऐसे 12-13 हमारे जो भजन है उसपे है, और हर शंभू से पहले मैंने जो गीत गाए थे, हरिद्वार की शहर घूमूंगी, हरिद्वार मेरे सांवरे, जय हो बजरंग बली, और बहुत से हैं मैंने कृष्ण भगवान जी के लिए गाए, घनश्याम तेरी बंसी। तो उससे पहले कुछ भी नहीं था, कि सभी कहीं पे कुछ सुनने को ही नहीं आया, और सब में मैंने खुद अपना आप ही गाए हैं अपने स्टूडियो में, अपना खुद लिप सिंग मिली सब किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो ये बस हर शंभू जो कवर सॉन्ग जो मैंने गा दिया उसके लिए इतना सुनने में आ रहा। दरअसल फरमानी, चीज क्या है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अब से पहले जब आपने भजन गाए और उन्हें उसकी जानकारी नहीं मिली तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन एक महिला जब आगे जा रही है तो शायद समाज में कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोग जो हैं वो आपको सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें जवाब दें और हमारे चैनल पर एक बार जरूर उस भजन की 2 लाइन गाएं जो इतना फेमस हो रहा है, जो हर बच्चे की जुबान पर है। मैम, अभी हमने अपना खुद एक नया भजन भी बनाया, आपने शायद सुना नहीं होगा, तो मैं उसको सुना दूं जरा थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। खुद ही अभी नया कृष्ण भगवान जी का बनाया है। जी जी बिल्कुल, कल बनाया है अपना। जी, जय दुनंदन जय जगवंदन, हे वासुदेव देव की नंदन, हे नट नाग कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, हरे हरे कृष्णा 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 जय जय श्री राधे। तो यह हमने कल ही अपलोड किया है जिसपे पब्लिक का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, और 2 मिलियन होने वाला है हमारा ये। तो बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सभी का जो इतना पसंद कर रहे हैं। तो कलाकार तो सभी धर्म का गा सकता है। उसके बाद हमने उससे पहले नज़म भी की, अपलोड कर ली, कोई नवी नहीं मेरे सरकार की तरह। फरमानी, मैं इस नज्म पे भी आऊंगी, और ये जो आपने भजन गाया है, और खासकर देखिए वक्त क्या है, आपने सावन के महीने में, सावन से कुछ समय पहले जब महादेव का गाना गाया तो उसे जनता का बेशुमार प्यार मिला, और अब जन्माष्टमी आ रही है तो आपने कृष्ण का भजन गाया है, उस पर भी हम चाहेंगे कि आपको बेशुमार प्यार मिले, लेकिन मैं महादेव का वो भजन ज़रूर सुनना चाहूँगी जिसने इतना प्यार दिया, जो कि मुझे खुद बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। सानंद मानंद दवने वसंतम, आनंद कंदम हिद पापा विंदम, वाराणसी नाथ ममनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे, हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा।
बिल्कुल, ये देखिए फरमानी, ये भजन जो है ये मुझे लगता है ये हर किसी को पसंद आ रहा होगा और अक्सर जब हम इसे सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे देखिए ये भी स्पष्ट होता है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है। आप फरमानी ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगी, और अगर अपने गीत के जरिए आप ऐसे लोगों को कोई जवाब दे पाए और उन्हें समझा पाए कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म में बांध कर आप उसकी कला को मारिए मत। मैं कहना चाहूंगी कि कलाकार एक कलाकार होता है और जब अपनी कलाकारी में रहता है तो वो सिर्फ ये सोच के गाता है कि मैं एक कलाकार हूँ और मैं सबको अच्छी अच्छी चीजें सुनाऊँ, उसको मैं हिंदू भी की भी सुनाऊँ, मुस्लिम की भी सुनाऊँ, नज़म भी, भजन भी, गीत भी, तो उसको सुनने वाले भी सभी धर्म के लोग होते हैं। और मैं ये जिन्होंने ये बातें फैलाई हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी किसी कलाकार को किसी धर्म से बिल्कुल ना जोड़ें और उसका साथ दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, क्योंकि ऊपर वाले ने इतनी अच्छी आवाज दी है, कला दी है, तो उसको हौसला अफजाई करने के लिए उसके उसका साथ दें। फरमानी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को संदेश जाना भी चाहिए। और देखिए आज जब हर कोई सुन रहा है शंभू महादेवा का ये भजन तो हर कोई आपके बारे में जान रहा है, लेकिन मैं आपको उस वक्त से सुनती हूँ जिस दौरान आप इंडियन आइडल भी नहीं गई थी, आप मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, मैं मेरठ से हूँ और मैंने बहुत बार आपका वो गाना सुना था, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, अगर सिर्फ दो लाइन उसकी आप मेरे लिए गा दें। जी बिल्कुल। ओ भोले साथिया देखी जो शोखी तेरे प्यार की, ओए ओए आंचल में भर ली हमने सारी बहारे संसार की, नई अदा से हम मित्राए पाई खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। बहुत अच्छा था। अब फरमानी ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने जिस तरह जिक्र किया, आपने एक नज्म भी गाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि विवाद तो उस पर भी हो रहा है, यानी जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं वो दरअसल यही वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें आपकी मुखालफत करनी है, आपका साथ देना है या आपका विरोध करना है। क्या नज्म को लेकर भी विवाद हो रहा है, क्या उसका भी विरोध है? नहीं, मैं नज़म को लेके तो कुछ भी नहीं है और भजन को लेके भी किसी बड़े इंसानों ने कोई कुछ नहीं कहा, बाकी जो कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, और अगर मैं कुछ अच्छा भी गाऊं या कुछ भी करूं तो वो तो जब भी ऐसा ही करेंगे, तो ये तो थोड़ा बहुत तो लोगों के पता नहीं क्या है, इतना कह देते हैं किसी को, तो मैं उनके लिए भी कुछ नहीं कहूँगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगी वे भी सब खुश रहे और उन्हें ऊपर वाला इतना दिमाग दे कि वो किसी कलाकार के लिए ऐसा ना बोले। तो हम तो ऐसे माहौल ढूंढते हैं, सावन का महीना था तो भजन गा दिया, जन्माष्टमी थी तो कृष्ण भगवान जी गा दिया, हमारी ईद आती है तो हम ईद के लिए भी नज़म पढ़ते हैं। देखिए लोगों को समझना जरूरी है फरमानी कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है और कलाकार सिर्फ अपनी कला के लिए जीता है और कला से ही उसका पूरा जीवन जो है वो समर्पित है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फरमानी।